ये इस वक्त सरदार अफताब अकबर उम्मीदवार हल्का पीपी किस इधर टेलीफोन लाइन पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। सरदार अफताब साहब, बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ सारा, ये खबरें शबरें भी आई हैं, तो अभी क्या पोजीशन है जी टिकट की ये पीपी किस पे? ये तो अभी पार्टी के डिसीजन जो हमारे कायद के खान साहब का होगा, तारीख इंसाफ इमरान खान साहब का जी जी, वो पार्टी के हर आदमी को इंशाल्लाह काबिल कबूल होगा जी जी। ये कंफर्म नहीं है कि अभी उन्होंने पीपी 21 का फैसला किया है या 23 का, नहीं अभी ये जो कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि ये चारों टिकट फाइनल, बल्कि नाम भी आ रहे हैं चार, तो ये अभी कोई हतमी नहीं है ये? सर मेरे ख्याल में अतमी नहीं है। जी जी, तो उस वक्त होंगे जब खान साहब अनाउंस करेंगे और जी जी। तो अभी क्या तो कोई दो चार दिनों में ये ऐलान हो जाएगा ही टिकटों का? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो फिर अभी फिर आपकी वो ये ज्यादा उसमें लोग जरा ये क्या सराइयां कर रहे हैं कि पीपी 23 में आपने अरबों रुपए के काम करवाए हैं, तो फिर ये आखिरी मिनट आप 21 में क्यों ये तरजीह दे रहे हैं? सर मैं नहीं दे रहा जी जी, ये मुझे पार्टी का ऑर्डर आया है कि जी आपने पार्टी के नाम पंजाब के प्रेसिडेंट की तरफ से कि जी सूमेंट जी आप इधर भी अप्लाई करें। तो मतलब अभी अभी आप फिर दोनों के अभी उम्मीदवार हैं 21 में भी और 23 में भी, दोनों में से टिकट जिधर पार्टी ने जिधर कोई हुक्म दिया आप दोनों में से जिधर भी, या अगर ना भी टिकट दें फिर भी फिर क्या पोजीशन है टिकट ना दें तो? सर फिर भी खान साहब के वर्गों की तरह इंशाल्लाह जिस जिसको उन्होंने टिकट दिए इंशाल्लाह उसको पूरी इन दोनों हल्कों में जिसके पास पीटीआई का टिकट होगा आप भरपूर उसकी करेंगे। चलो जी, अल्लाह बेहतर करे, गुड लक, अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ करें इंशाल्लाह। और उसमें सिर्फ एक चीज है कि खान साहब जितनी आजकल ये सख्ती हो रही है जी जी, अब देखे ना कि गरीब लोगों को गरीब वर्करों को गिरफ्तार किया गया जी जी, बगैर किसी मैं मतलब एक उनके लिए सबके लिए दुआ गुआ इंशाल्लाह, हम उनके सब सब रास्ते में भी होंगे और इंशाल्लाह अपने तमाम वर्करों को अकेला किसी को इंशाल्लाह। जी ठीक है जी, थैंक यू जी।